क्या चाल आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया हीरो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत सनी बाजी ब्लॉग के साथ। तो सुबह के 11 बज चुके हैं, रेडी हो चुका हूँ। पहले मैं जा रहा हूँ सैमसंग के सर्विस सेंटर, बस भगवान करे इसका डिस्प्ले मिल जाए। इसका डिस्प्ले चला गया और इतना नुकसान हो रहा है ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ। मेरा ये मतलब मेन फोन है, तो बस संचित जी ने अपने ऑफिस का आदमी भेज दिया, वो मेरे साथ जा रहा है। उसको लोकल आदमी को सब कुछ पता है, मुझे तो पता नहीं है यहाँ का कुछ भी। तो बस रेडी होके वहाँ जाके फोन ठीक हो जाए, उसके बाद आके फिर टानी मासी घर पे लंच है। लंच करके 2-3 बजे तक हम लोग हजूर साहब के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से 4-5 घंटे की ड्राइव है, तो वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करेंगे, आपको भी साथ कराएंगे। तो बाहर का मौसम देखो भाई साहब, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बाकी तो मौसम बाहर जाके पता लगेगा क्या है। देखते हैं हम निकल रहे हैं, बाकी तो नीचे गए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं नीचे ही जा रहा हूँ। तो औरंगाबाद में अभी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आया था, फ़ोन अपना ठीक करवा लिया मैंने। 23,900 रुपये का बिल बना, मतलब 24,000 रुपये डिस्प्ले फ्रंट एंड बैक। भाई साहब मतलब ये ट्रिप में तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना नुकसान हो रहा ना। पहले शॉकर्स गए, अब ये गया, पता नहीं अभी ट्रिप बाकी बढ़ा के क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। पर देखो चल रहे हैं, फिर भगवान का नाम लेने अब गुरुद्वारे जा रहे हैं। बाबा जी सब अच्छा करें आगे चल के। बाकी सब लोग फैमिली जो है वो घर पे वेट कर रही है, अब घर जा रहा हूँ, वहाँ पे खाना ना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या हो। हाथ लगाओगे ना मुंह नहीं निकालेगा वो, हाथ लगाओगे तो मुंह नहीं निकालेगा कीमा वो, टच नहीं करो। तो टानी मासी को अब रात को मिले ही थे, टानी मासी का बड़ा बेटा हरप्रीत, हरप्रीत की वाइफ गुनवीन, प्रभजोत, ये इसकी वाइफ नैनी, है ना। अब सीन क्या है, टाइम 3:15 हो गए है ना, 5 घंटे का आगे रास्ता है। क्यों भाई इतना टाइम तो लगेगा ही, दिस इज 9.95 स्टर्लिंग सिल्वर विथ सीजेड डायमंड्स, और हमारी कंपनी का नाम जीएन स्पार्कल है। एक्चुअली इन दोनों का, दोनों भाभियों का काम यही है ना ये ज्वेलरी का, तो मैंने इनसे काफी स्टफ लिया भी है एंड आई एम प्लानिंग एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इंस्टा पे डीएम करना, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स, और बाकी जो क्या कहते हैं लिंक हम डाल देंगे। एग्जीबिशन जब लगाऊंगी तो ऑब्वियसली वो मैं उसकी वेन्यू एंड ऑल, वेरी नाइस, लिंक हम डाल देंगे जी। प्राइस रेंज क्या है? स्टार्ट हो जाती है 2,000, 1,500, 2,000 से, फिर जाता है 15-20,000। सही है, बहुत बढ़िया। $80,000 तो सही है ना, बढ़िया है। सही है, लिंक हम डाल देंगे इसका, ठीक है ना, नंबर भी डाल देंगे, तो जिसको कांटेक्ट करना है आपसे कर सकता है। और टाइम इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगी, क्यों ओवरसीज भी, सही है। तो बार बार बता दूं वो ले ली है, ये पेड प्रमोशन नहीं है, घर की दुकान है इसलिए हम कर रहे हैं, इनकम करते नहीं है। तो जितना प्रमोट करो माल की गारंटी है, और प्योर सिल्वर मिलेगा उसकी पूरी गारंटी है, लोकल नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो 4:05 हो गए, लंच करके अभी निकले हम लोग। मेरे फोन के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। यहाँ से 271 किलोमीटर है, जो 5.5 घंटे बता रहा है, 5:15। तो देखते हैं कितना टाइम में पहुंचेंगे। रूम हमारे वहाँ पर बुक है, उम्मीद कर रहा हूँ 8:30-9 बजे पहुंच जाएंगे। और रोड का मेरे को आगे आइडिया नहीं है, रोड डबल है सिंगल है कैसी, वो बताऊंगा आगे जाके ही मैं आपको। बाकी सफर कट रहा है बहुत अच्छा बढ़िया एकदम। तो सही लगा मिलके, सही लगा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत। मम्मी पापा पहली बार औरंगाबाद आए थे, मैं औरंगाबाद से पहली बार इस फैमिली को तो खैर बहुत बार मिली हूँ, घर पहली बार गई हूँ। सही रहा ना, टाइम पास हो गया, बहुत अच्छा लगा, टाइम कम था, बहुत इज्जत करते हैं। तो बस 4-5 घंटे में यहाँ से औरंगाबाद पहुंचेंगे। रूट जो होगा वो आपको मैं पूरी डिटेल बताता रहूंगा रास्ते में।
एक्सप्रेस वे अभी खत्म हो गया है, नॉर्मल अब फोर लेन रोड अभी खत्म हो गई है, अब सिंगल रोड है, तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारी रोड ऐसी ही है, पर खाली है, ट्रैफिक नहीं है, रोड भी अच्छी है, खड्डे नहीं है रोड पे। तो अभी हम लोग कॉफ़ी पीने रुके थे, कॉफ़ी पी के बस आगे निकलेंगे, यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया है, थोड़ी सुस्ती आ रही थी तो मैं कहा कॉफ़ी पी लें बढ़िया सी, उसके बाद निकलेंगे आगे। से रास्ता जो था ना 270 किलोमीटर टोटल है, रोड तो देखो पूरी जंगल वाली है, खाली खाली एकदम सिंगल रोड है 200 किलोमीटर के आसपास, 60-70 किलोमीटर की रोड जो है वो फोर लेन है, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, पेट्रोल पंप बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजें लेके आना जब भी आओगे, हाँ घर से सब कुछ लेके चलना अपना इंतजाम, हम तो लेके चल रहे हैं, बाकी रोड के नजारे लो एकदम खाली खाली देखो। तो बस अभी सचखंड साहब पहुंचे ही हैं, पहुंचे ही अपने फैमिली मेंबर्स मिले हैं, मतलब यहाँ पे भी हमको जानते हैं लोग, इतना देख के अच्छा लग रहा है, क्यों भाई जी आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे सामने ज़्यादा अच्छा लगा, टाइम आंटी सारे लोग देखते हैं, आंटी वही करे पूरी फैमिली देखते हैं, पूरी फैमिली देखते हैं, अच्छा लगा भी जी बहुत मिल के, जरूरी है आंटी, गुरु का दिखाना पहले जरूरी है, आज 22 तारीख हो गई है, हम लोग अभी पहुंचे हैं यहाँ पे हजूर साहब, और मतलब इतना यहाँ पे आके मन को सुकून मिल रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, 5 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, बाबा जी ने बुलाया दर्शन करने आए, और पापा मम्मी को लेके आया हूँ, पापा जो है 1975 में आए थे यहाँ पे, उसके बाद आज आ रहे हैं, मतलब समझ लो 40 साल के बाद आ रहे हैं पापा यहाँ पे, और मम्मी भी तकरीबन मम्मी ने छोटे होते ही आई थी, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने मम पापा को यहाँ पे आप लेके आते हो, तो उनकी खुशी भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत खुश हुए यहाँ पे आके, वो भी कि दर्शन करने को मिल गए उनको, यहाँ गुरुद्वारे के दर्शन तो सुबह ही करने को मिलेंगे, और अभी मेरा वहाँ से मेन प्रॉब्लम क्या हो गई, हमको यहाँ पे रूम नहीं मिला, तो बिना रूम के सोना तो बहुत मुश्किल था, हम है भी 6-7 जने, तो एक्चुअली क्या है होला मोहल्ला है, होली का जो त्यौहार होता है पंजाबी में होला मोहल्ला बोला जाता है, और यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक यहाँ पर और एक आनंदपुर साहब पंजाब में, और लाखों की तादाद में दुनिया आती है, जितने होटल्स हैं सब होटल्स भी फुल हैं, और जितनी सराएँ बनी हैं सराएँ भी फुल हैं, तो 2-4 फ़ोन करके जैक लगवाया, उसकी वजह से एक रूम हमको भी मिल गया, एक रूम कहने कल सुबह मिल जाएगा, तो अभी हम किस तरह से एक रूम में एडजस्टमेंट करेंगे और एक रूम सुबह लेंगे, तो बाकी अभी जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, 10:30 हो गए हैं, भूख भी लगी हुई है, दोपहर से कुछ खाया नहीं हुआ, दोपहर को खाना ही खाया था, रास्ते पर कुछ डंका था नहीं खाने के लिए, अब लंगर खाएंगे, लंगर खा के फिर थोड़ा बहुत चक्कर मारेंगे, फिर रूम में जाएंगे सोएंगे, क्योंकि थक गए हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को भी 3 बजे सोया था, सुबह 8 बजे उठ के सारा दिन मोबाइल ठीक करा रहा था, उसके बाद गाड़ी चला के यहाँ पे आया हूँ, तो बस अब आपको गुरु का लंगर दिखाते हैं, लंगर खाते हैं। हमारा रूम यहाँ पर हुआ है 6 नंबर रूम, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या चाल है आपके, ठीक हो बढ़िया हो, बस बढ़िया ही रहो, आज फिर एक दिन की शुरुआत सन्नी पाजी ब्लॉग के साथ, सुबह के 11:30 हो गए हैं, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं ढाबे में, और गोभी के परांठे बड़े बढ़िया सारी धुंधली खाने आए हैं, आप तो खाओगे चाय, मैंने खा लिया सुबह परांठा, चलो भी खाया था, तू आलू का परांठा, आप मैगी परांठे खाओ, सेहत बनाओ, फिर बाद अंकल परांठे बना रहे कितने बढ़िया, पाजी को हम लोग परांठे खाने आए हैं बढ़िया वाले, पाजी आलू का गोभी वाला, आलू वाले गर्मा गर्म ऑयल वाला, दही मक्खन लगा,
ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਕਾ ਲੂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੈਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪਰਾਂਠੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਦਹੀਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਹ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਗੀ ਖਾਏਗੀ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ अभी हम लोग निकल रहे हैं हजूर साहब का मत्था टेक के अब हम जा रहे हैं नाला सर गुरुद्वारा जो यहाँ से 10 किलोमीटर के करीब दूर है और गर्मी में सबकी हालत पूरी पूरी हुई पड़ी है क्यों कहाँ से मम्मी की कोई नहीं पापा जी कह रहे मुश्किल में आओ तो राह आसान हो जाती है ना लाइन निकले टेम्परेचर देखो 39 दिखा रहा है गाड़ी में अभी तो अभी आपको आज इस ब्लॉग में सारे गुरुद्वारों के दर्शन होंगे अब आपको हम नाला सर गुरुद्वारे के दर्शन करा रहे हैं कौन है राक्षस जा लड़ाई मत करो समझ के गुजारे मसा टेकने आए हो ये छोटी में से बहुत बहुत चूल है किमरन नहीं कर किमरन चलो चलो मसा टेक के आए ब्लॉग में सर झूठ दिखाया जाता है ऑफ कैमरा ये सब होता है हैं देखो ये सब होता है ऑफ कैमरा नहीं नहीं करो किमरन टाइम हो रहा है शाम के 6:30 क्या खाना है तूने फ्रेंच फ्राइज मैगी खा ले मैं तो बोल रहा हूँ क्यों नहीं कहाँ पे खाने फ्रेंच फ्राइज हवेली में चल फिर आ चल माँ के आ गए फ्रेंच फ्राइज अब क्या खाओगे चाय मैंने पास्ता मंगाया वैसे ही बढ़िया था चाय अच्छी जब से दूसरे शहर में भी अपने जो फैमिली मेम्बर अपने को फॉलो करते हैं ना मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो भाजी स्पेशल मिलने आए हैं तो रूम में 2-3 घंटे आराम करने के बाद अब निकले हैं शाम हो गई दोपहर को धूप इतनी ज्यादा थी ना इतना बुरा हाल हो रहा था अब हम लोग लंगर साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं दर्शन करने वहाँ पे करके छोटी मोटी लोकल मार्केट जो है वो थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे मजा आ रहा है मजा आ रहा है गाड़ी अंदर फंस गई थी गाड़ी दिखा नहीं सकते थे तो मैं कहा पैदल चल ऑटो कर लेते ज्यादा बढ़िया है गाड़ी निकली ना उस जगह मिलेगी नहीं सही से तो ऑटो में जा रहे हैं
की फतेह। जैसे आप सबको पता है हम लोग यात्रा पर श्री हजूर साहब जी आए हैं, इसके पास ही एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लंगर साहिब। तो अभी मुझे वहाँ पे हिस्ट्री है इस गुरुद्वारे की पता लगी है कि जो हमारे संत बाबा निदान सिंह जी होते थे वो यहाँ पर लंगर कराया करते थे, पर संगत इतनी बढ़ती गई कहते हैं कि उनको परेशानी आ गई लंगर करने में, तो उन्होंने हाथ जोड़े और चल पड़े वापस। तो उनको जाकर कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टेशन पर जाकर पकड़ लिया और कहा नहीं बाबा निदान सिंह जी तुम कितने चल रहे हो। उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं खीसा मेरी पॉकेट मेरी है, हाथ तेरा हाथ है, तू जितना मर्जी निकाली जाओ कभी ख़त्म नहीं होगा और सेवा यहीं की यहीं पे करनी है। आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा है लाखों की तादाद में यहाँ पर संगत आती है, दर्शन करती है और लंगर छकती है। हमें भी लंगर छक के यहाँ पे बड़ा मजा आया है, भगवान ऐसे ही बरकत सब पे डालता रहे। कहाँ से मिला सूट ये? नानी की फ्रेंड ने गिफ्ट को किया है, नानी को नहीं किया, तेको किया है। कीमत देखो क्या मिला है? चॉकलेट? गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हुआ? नानी की दूसरी फ्रेंड ने दिया है। आप लोग गिफ्ट लेने आते हो जगह? चॉकलेट उसको दे किमरन को भी। ये हो गया ना? ये बस हो गया। किमरन क्या लगाया है? क्या ये पहले से ये मेकअप होता है? ये दिल बनाया ही तूने? तेरे बना दो एक हार्ट और चलो चले रोटी खाने। ऐसी मुझे जाना है। ये जाएंगे बच्चे? मेरे बच्चे तो भूखे हैं। भूखे नहीं है, भूख मेरे भूख लगी। अरे भूखे मींस यू आर हंग्री। मेरी आई वो चाचा हमें नींद आ रही है, बहुत भारी है बाबा। ऐसे नहीं बोलते, हमें लंगर खा लिया, आपने ही खाना। चलो आपने ठीक है। कैमरा ने कर दिया पापा को बाथरूम में लॉक। क्यों लॉक किया पापा को? क्यों लॉक किया है? अरे पापा आएंगे तो देखना। क्या खोल खोल पापा को खोल ना खोल। हाँ कंटेंट बना रहे थे ब्लॉग का।